और मेरे फूडी दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीदें बढ़िया ही होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube के किचन में। आज हम लोग आ गए एक और नई रेसिपी के साथ। दोस्तों, आज हम लोग एक डिजर्ट बनाने वाले हैं, आपको पता चल ही गया होगा। आज हम लोग चॉकलेट केक बनाने वाले हैं। चलिए बातें बहुतों की बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए यहाँ पर मैंने एक बर्तन लिया है कांच का और एक स्टील का छेना लिया है। उसमें हम लोग एक कप मैदा यानी कि ऑल पर्पस फ्लार इसमें डाल देंगे। उसी के साथ 1.5 टेबलस्पून कोको पाउडर, 2 टेबलस्पून चॉकलेट ड्रिंकिंग पाउडर, उससे चॉकलेट का टेस्ट हमारी केक में आएगा, 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा और 1.5 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर। और इन सभी चीज़ को हम लोग 3 बार अच्छे से छान लेंगे। अभी हमारा जो ड्राई बैटर है उसमें हम लोग 150 ग्राम्स अमूल का मिठाई मेट है और इसमें डाल देंगे। इसमें हम लोग शुगर का उपयोग नहीं कर रहे, इसलिए अमूल का मिठाई मेट ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। 50 ग्राम्स बटर भी इसमें डाल देंगे। अब हम लोग इसमें 1/2 टेबलस्पून जितना वेनिला एसेंस डाल देंगे ताकि हमारी केक में थोड़ा सा वेनिला का अच्छा टेस्ट आए। 1/2 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने यूज़ किया है। उसी के साथ ईगल ब्रांड का 1 टेबलस्पून जितना चॉकलेट एसेंस डाल देंगे ताकि हमारी जो चॉकलेट केक है तो उसमें चॉकलेट का स्वाद आए। और इन सभी चीज़ों को एक हैंड बीटर के उपयोग के साथ मिक्स कर देंगे। और इसमें हम लोग धीरे धीरे करके दूध भी इसमें ऐड करते जाएंगे और एक अच्छा लिक्विड टाइप का बैटर बना लेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि हमारा केक का बैटर है वो हमें कितना लिक्विड रखना है। और इसी के साथ अभी हम लोग इसमें चॉकलेट के स्प्रिंकल्स भी इसमें डाल देंगे ताकि उसका स्वाद भी इसमें अच्छा से बैठ जाए। अभी यहाँ पे मैंने एक एल्यूमिनियम का टीन लिया है, उसमें मैंने उसके ऊपर बटर स्प्रेड कर दिया है और उसके ऊपर हम थोड़ा ऑल पर्पस फ्लार उसमें अच्छे से स्प्रेड कर दें ताकि हमारा जो केक है वो बेक होते समय नीचे से चल ना जाए और चिपक ना जाए। अभी हम लोग हमारा जो केक का बैटर है वो इस एल्यूमिनियम के टिन में हम लोग इसमें निकाल देंगे। दोस्तों, यहाँ पे मैंने ओवन को ऑलरेडी 5 मिनट्स के लिए 480 डिग्रीज पर प्रीहीट करके रखा था। अभी हम लोग हमारा टिन जो है वो प्रीहीट ओवन में कन्वेक्शन मोड पर 180 डिग्री पर 15 मिनट्स के लिए उसको बेक करने के लिए रख देंगे। अगर आपका ओवन ज़्यादा टाइम लेता है तब ज़्यादा देर तक रखिएगा। तब तक हम लोग क्रीम बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने उसके लिए एक स्टील का बर्तन लिया है और यहाँ पर मैं एक ट्रॉप का व्हिपिंग क्रीम यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने ऐसे 2 कप व्हिपिंग क्रीम लिया है और उसको हम लोग एक हैंड बीटर की मदद से अच्छे से बीट कर लेंगे और हमारे क्रीम में बीच में एयर लाएंगे और ये हमारा क्रीम जो है वो अच्छे से फूल कर रेडी हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं हमारा जो क्रीम है वो बीट होकर रेडी हो चुका है। यहाँ पे मैंने हैंड विस्कर की मदद से इसको बीट किया है। उसको आप लोगों को 25 मिनट्स के लिए कंटिन्यू के लिए इसे बीट करना होगा। आपका क्रीम भी रेडी हो जाएगा और आपकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। अभी हमारा जो केक है वो बेक होकर रेडी हो चुका है और हम लोग केक को 45 मिनट्स के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। और आप लोग देख सकते हैं हमारा केक है वो कितना स्पॉन्जी हुआ है। आप लोग टॉप से भी देख सकते हैं हमारा केक है वो ऊपर से भी स्पॉन्जी और चिकली बना है। अभी हम लोग इस केक को डेकोर कर देंगे। उसके लिए यहाँ पर हम लोग क्रीम का एक पाइपिंग बैग बना लेते हैं। उसके लिए यहाँ पे मैंने पॉलीथीन का बैग लिया है।
और एक क्रीम के लिए उसका जो नीडल आता है वो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ। अभी हम लोग हमारी जो पॉलीथीन है उसको हम लोग खोल देंगे और उसके एक कॉर्नर पर हमारा जो डेकोरेशन की डाई है उसको एक कॉर्नर पर रख देंगे और इसके साइड पर कट लगा देंगे और इसके उसका जो मुंह है वो बाहर लाएंगे। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से कट किया है और इस पाइपिंग बैग में क्रीम भर देंगे और इसको डेकोरेशन के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों मेरा केक जो है वो डेकोरेशन करके रेडी हो चुका है, मुझे अभी उतना एक्सपीरियंस नहीं है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो आपके फूडी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।